सत्ता राज को फर्क आज नहीं पड़ा तो कल पड़ेगा और पढ़ के रहेगा। वो शोषण करने का अधिकार किसने दिया? ये मानसिकता है। जब तक इस मानसिकता का इलाज नहीं होगा जब तक बात बनने वाली नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बंटवारा करना चाहते हैं? देखिए, इस देश में ही ऐसी मनवादी व्यवस्था की के लोग हैं और शासन जिनके हाथ में है, और कभी वो जो है न्याय की बात ही नहीं करते। उन्होंने हमेशा शोषण किया है, उनके जेहन में ही शोषण भरा हुआ है और बहुजन समाज को कभी ये न्याय नहीं देना चाहते। ये गलतफहमी में है, सरकार आती जाती रहती है, न्यायप्रिय सरकार आएगी, इनका इलाज होगा। वो संविधान को खत्म कर रहे हैं तो भिखारी बनाने काम कर रहे हैं कि मुझे वोट देते रहो, मेरे लोगों को वोट देते रहो, मुझे राजा बनाते रहो और मेरे लोग तुम पर जुल्म करते रहेंगे, तुम्हारी नौकरियों को छीनते रहेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते रहेंगे, मूंछों के नाम पर तुमको मारते रहेंगे और तुम्हें जेल में डालने का काम करेंगे। वो जो कहते हैं, नारे देते हैं लंबे लंबे, वो कुछ नहीं करते हैं। 2 करोड़ रोजगार नहीं देंगे, वो रोजगार छीनने का काम करते हैं। डॉक्टर रितु का रोजगार छीना ना छीना, नौकरी छीनी, तो नौकरी छीनने का काम करते हैं, नौकरी देने का काम नहीं करते। कि ये सरकार न्यायप्रिय सरकार नहीं है, ये दलितों के साथ नहीं है, ये ओबीसी के साथ नहीं है, महिलाओं के साथ नहीं है, किसानों के साथ नहीं है, नौजवानों के साथ नहीं है। जब प्रधानमंत्री बहन जी बन जाएंगी तो शोषण खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विश्वविद्यालय के साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर रितु सिंह का जो आंदोलन चल रहा था, 2 महीने से ज़्यादा हो गया था उसको, और अब इन्होंने फिर से एक बार मार्च निकाला है, रैली निकाली है। पहले 5 तारीख को भी निकाली गई थी, अब दोबारा ये लोग आज निकाल रहे हैं। पूरा दौलतराम कॉलेज तक ये लोग गए थे और वहाँ पर भी इन्होंने ढोल नगाड़े बजाए हैं। तो इन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है। इससे पहले भी एक रैली निकाली गई थी 5 तारीख को, अब दोबारा निकाली गई है, क्या लग रहा है, न्याय मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है, ये चाहे रैलियाँ जितनी भी निकालनी पड़े, ये बहुजन समाज के लोग हमेशा रैली निकालेंगे, संघर्ष करेंगे। क्योंकि बहुजन समाज के लोगों ने संघर्ष किया और डॉक्टर रितु के सम्मान के लिए और उनके लिए जो है पूरा बहुजन समाज एकजुट है। और चाहे ये एक रैली नहीं, सैकड़ों रैली निकालनी पड़े, ये बहुजन समाज के लोग हमेशा रैली निकालेंगे और डॉक्टर रितु के साथ। कब तक ये लोग संघर्ष करते रहेंगे? देश इतना आगे बढ़ चुका है लेकिन अभी भी दलितों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है। देखिए, इस देश में ही ऐसी मनवादी व्यवस्था की के लोग हैं और शासन जिनके हाथ में है, और कभी वो जो है न्याय की बात ही नहीं करते। उन्होंने हमेशा शोषण किया है, उनके जेहन में ही शोषण भरा हुआ है और बहुजन समाज को कभी ये न्याय नहीं देना चाहते। ये जो भी बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया हुआ है उसका हनन कर, जिस दिन सत्ता में आएंगे शोषण खत्म हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री बहन जी बन जाएंगी तो शोषण खत्म हो जाएगा। जो बहन जी है उनको तो आज भी तो आना चाहिए था, यहाँ पे आई नहीं वो। हमारे लोग आए हैं, जो पार्टी के लोग हैं वो आए हैं, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, काफी संगठन यहाँ आए हैं। तो रितु जी के साथ में सारे संगठन खड़े हैं और हम सभी से बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है डॉक्टर सविता रॉय को, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है जो आप लोग ये रैलियां निकाल रहे हैं? देखिए, सविता रॉय को फर्क आज नहीं पड़ा तो कल पड़ेगा और पढ़ के रहेगा। हाँ। कि बहुजन समाज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो मिशन है, उसके मिशन अम्बेडकर साहब के मिशनरी हैं, साथी हैं, वो इसको उनको झुका के रखेंगे, मनवादी को मिटा के रखेंगे, अम्बेडकर बात चलेगा और ये मानेंगे मानेंगे। ठीक है, तो हम इधर भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लग रहा है डॉक्टर सविता रॉय को, इससे कुछ फर्क पड़ेगा जो लोग आपकी रैली निकाल रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो लोग हैं ये ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं। इनके पूर्वजों को भी फर्क पड़ा। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया इस देश के अंदर, तो हजारों सालों की गुलामी काट दी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। इनको लगता था गुलामी नहीं कटेगी, पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश को संविधान देकर, हजारों सालों की गुलामी काट कर आपको आज़ादी देने का काम किया, आपको आपको अधिकार देने का काम किया। जो आपके पास शिक्षा का अधिकार नहीं था, सारे अधिकार देने का काम किया। ये गलत फहमी में है, सरकार आती जाती रहती है, न्यायप्रिय सरकार आएगी, इनका इलाज होगा। तो ये सरकार न्यायप्रिय नहीं है क्या? बिल्कुल न्यायप्रिय नहीं है। कैसे न्यायप्रिय बताइए? एक आदमी अगर ट्वीट कर देता है तो उस पर FIR करके जेल में डाल दिया जाता है। दलितों पर SC Act लगाकर, दलितों पर, दलितों के खिलाफ सारे जितने भी धाराएं हैं वो लब लगाकर आपने देखा उनको जेल में डाल दिया जाता है। उन पर UPI लगा जाता है, उन पर NSA लगाया जाता है। पर मेरे को ये लगता है कि ये सरकार न्यायप्रिय सरकार नहीं है, ये दलितों के साथ नहीं है, ये OBC के साथ नहीं है, महिलाओं के साथ नहीं है, किसानों के साथ नहीं है, नौजवानों के साथ नहीं है। कौन सी सरकार न्यायप्रिय है सबसे? बहुजन समाज पार्टी देश की सबसे न्यायप्रिय पार्टी है। बहन कुमारी मायावती देश की सबसे न्यायप्रिय नेता है। 2007 से लेकर 2012 तक आप देख लीजिए, उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, शासन, प्रशासन, अनुशासन,
जैसा बहन कुमारी मायावती ने इस देश को देने का काम किया, आज तक किसी पार्टी ने, किसी नेता ने देने का काम नहीं किया। वो चाहे बहुजन लोग हों, चाहे अन्य स्वर्ण लोग हों, सबको न्याय देने का काम किया। ऐसी नेता होना चाहिए, ऐसा नेता जो सबको सबको सम्मान दे, सबको न्याय दे, सबको। लेकिन कब तक मतलब दलित लोग संघर्ष करते रहेंगे? अब तो देश इतना आगे बढ़ चुका है, अब तो उनको संघर्ष कम करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए उन लोगों के साथ। जब तक संघर्ष जारी रहेगा, जब इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा कि कैसा समाज होना चाहिए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा चार चीजों पर आधारित समाज होना चाहिए। न्यायप्रिय समाज होना चाहिए, समता की बात करने वाला होना चाहिए, स्वतंत्रता की बात करने वाला होना चाहिए और भाईचारे की बात करना चाहिए। ये चारों चीज़ें गायब हैं समाज में से। ना कोई न्याय की बात करता, ना समता की बात करता, ना स्वतंत्रता की बात करता, ना भाईचारे की बात करता। भाई भाई कहाँ, चारा खत्म कर दिया इन्होंने, भाई को चारा बना लिया लोगों ने। तो हम बहुजन समाज पार्टी के लोग इस देश में संविधान को स्थापित करना चाहते हैं, इस देश में भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, सबको न्याय देना चाहते हैं, सबको सम्मान देना चाहते हैं, सबको सम्मान के साथ सुरक्षा देना चाहते हैं। ये एक पार्टी दे सकती है, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन सबका साथ सबका विकास के नारे तो लगाए जा रहे हैं। सबका साथ नहीं है, साथ सबका चाहिए। विकास कुछ चंद लोगों का होता है, अडानी अंबानी का विकास होता है और किसी का नहीं होता। इस देश के अंदर सबसे माल छीना जा रहा है, इस देश के अंदर आपने देखा नहीं तो कहीं नहीं होता। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ही कहना है कि आप एक बार बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आइए, आप देखना सारी जितनी भी बेड़ियां सब टूट जाएंगी, आपको न्याय मिलेगा, आपके संविधान को सुरक्षित करा जाएगा। और इस देश में अगर संविधान सुरक्षित हो गया और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया, आपकी सारी समस्याएं दूर। कहा जा रहा है मोदी जी है जो संविधान को सबसे ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं, ये बस कहा जा रहा है, हो नहीं रहा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते ही नहीं है, करनी कतनी में अंतर है उनकी में। वो जो कहते हैं, नारे देते हैं लंबे लंबे, वो कुछ नहीं करते हैं। नोटबंदी के लिए बोला था, कर दी। रोजगार के लिए वो रोजगार दिया नहीं, 15-15 लाख रुपए के बोला था, 15-15 लाख रुपए। 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं वो, तो 2 करोड़ रोजगार नहीं देंगे, वो रोजगार छीनने का काम करते हैं। डॉक्टर रितु का रोजगार छीना ना छीना, नौकरी छीनी, तो नौकरी छीनने का काम करते हैं, नौकरी देने का काम नहीं करते। वो अपने अपने लोगों को नौकरी देते हैं, वो आरएसएस के लोगों को नौकरी देने का काम करते हैं, हमारे लोगों को तो वो नौकरी छीनने का काम करते हैं। और प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट भी कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है वहाँ पे। तो रिजर्वेशन के माध्यम से जो हमारे लोग नौकरियों में जाते थे, उनकी नौकरियों पर वो रोक लगाना चाहते हैं, इसलिए आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। वो आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, वो गरीब बना रहे हैं भारत को। कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को दूंगा राशन दूंगा। भैया जिनको तुम राशन दे रहे हो वो आत्मनिर्भर क्या होगा, तुम्हारे ऊपर निर्भर है, वो तो भिखारी बना रहे हैं, भिखारी बनाने काम कर रहे हो। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में सपना दिया कि सब मान सम्मान से जिएंगे, रोटी कपड़ा और मकान सम्मान सबके साथ होगा, ये सुरक्षा हमें संविधान देता है। वो संविधान को खत्म कर रहे हैं, तो भिखारी बनाने काम कर रहे हैं कि मुझे वोट देते रहो, मेरे लोगों को वोट देते रहो, मुझे राजा बनाते रहो और मेरे लोग तुम पर जुल्म करते रहेंगे, तुम्हारी नौकरियों को छीनते रहेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते रहेंगे, मूंछों के नाम पर तुमको मारते रहेंगे और तुम्हें जेल में डालने का काम कुछ काम कर रहे हैं, तभी तो सत्ता में है इतने सालों से, तभी जनता उनको चुनती है। वो झूठ बोलकर, झूठा प्रचार करके सत्ता के अंदर है, वो लोगों को बहकाने का काम करते हैं, लोगों को लॉलीपॉप देकर लोगों के वोटों को छीनने का काम करते हैं, लोगों के वोटों को खरीदने का काम करते हैं और ईवीएम में घोटाला करने का काम करते हैं। वो ईमानदारी से इस देश में नहीं है, वो षड्यंत्र करके इस देश के अंदर सत्ता कर रहे हैं। हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं, जिस दिन हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे, जिस दिन हमारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लेंगे, जिस दिन लोग हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब की सोच पर चलने लगेंगे, उस दिन देश में सत्ता होगी। और जब सत्ता होगी तो आपको फिर किसी के जुल्म की सहने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप न्याय देने वाले बन जाएंगे, आप राजा बन जाएंगे। और राजा जो न्याय करता है, और कोई न्याय नहीं करता यहाँ पर, राजा का अधिकार है न्याय देना। तो आपको क्या लग रहा है, एक आखिरी सवाल, कि जो डॉक्टर रितु सिंह है इनको कब तक न्याय मिल पाएगा? 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लग रहा है कुछ हल निकलता हुआ? ये तो मैं नहीं बता सकता कब तक न्याय मिल पाएगा, मगर उनका संघर्ष जारी रहना चाहिए, तो तब तक ऐसे ही बैठी रहेंगे संघर्ष। हाँ देखो, हम हजारों सालों से तड़प रहे हैं कि न्याय मिल जाए, न्याय मिल जाए। संविधान होने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा हम लोगों को, तो मूंछों के नाम पर मारा जा रहा है। चश्मा लगा ले तो मारा जाता है, बताइए चश्मा आपने लगा रखा, मैंने लगा रखा, और भी लगा ले, क्या प्रॉब्लम पड़ रही है? घोड़ी पे वो चढ़ते हैं, अगर हम चढ़ लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? अरे हम हाथी पे भी चढ़ेंगे भाई, संविधान हमको अधिकार देता है ना। अच्छे कपड़े वो पहनते हैं, उनकी महिला पहनती है, हमारी पहन लेंगे, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? वो शोषण करने का अधिकार किसने दिया? ये मानसिकता है,
जब तक इस मानसिकता का इलाज नहीं होगा जब तक बात बनने वाली नहीं है। और माननीय काशीराम साहब तो कहते थे कि मुझे सोशल न्याय नहीं चाहिए, मुझे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। जब तक ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा जब तक बात बनने वाली नहीं है। न्याय राजा के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा राजा आया न्याय दे दिया, गलत आया न्याय नहीं देगा आपको। तो न्याय खुद ओबीसी हैं और दलितों के हित की बात करते हैं, तो लग नहीं रहा आपको उनके दलितों के लिए काम नहीं कर रहे हैं वो? मैडम आपको कहाँ से पता लग गया कि ओबीसी हैं? जब वो खुद तो क्या क्या बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। खुद तो 15-15 लाख की बात करी, बोला क्या उन्होंने? नहीं दिया उन्होंने। 2 करोड़ रोजगार की बात दिया क्या? नहीं दिया। 100 स्मार्ट सिटी की बात करिए, 1 भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। बुलेट ट्रेन लाएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, सोने की चिड़िया बना देंगे। क्या क्या बना देते हैं वो? तो सोने की चिड़िया है क्या है? जिस देश में 10 रुपये के लिए माँ अपने बेटे को बेच देती हो, जब यहाँ पर G20 होता हो, देश के 20 देश के लोग आते हों, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक इवेंट क्या? देश का नाम ही तो हुआ है G20 के। बताना चाहता हूँ, एक देश का इवेंट नाम हुआ। 2 दिन के इवेंट में उन्होंने 4200 करोड़ रुपया लगा दिया और गरीबों के लिए पर्दा लगा दिया, गरीबों पे, कि गरीबों को कोई देख ना पाए, या गरीबों की झुकी थी वहाँ पर्दा लगाने का काम किया। तो ऐसा होता है क्या? गुजरात में जब आए वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो गरीबों को ढक दिया, गरीबी को ढक दो और अच्छा अच्छा दिखाओ। अरे भैया तुम्हारे देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है। यहाँ हैप्पी इंडेक्स देख लीजिए, कोई हैप्पी नहीं है यहाँ पर। आप क्या करना चाहते हैं? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बंटवारा करना चाहते हैं आप? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया है। जब तक भारत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडिया ऑफ इंडिया पर काम नहीं करेगा, जब तक संविधान पर काम नहीं करेगा, ये कभी सोने की चिड़िया नहीं हो सकती है। ये वैसे ही रहेगा, बस एक दूसरे को देखकर लोग नफरत करते रहेंगे। अगर आपको सोने की चिड़िया बनाना है, आपको इस देश को महान बनाना है, तो आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को इस देश में लागू करना पड़ेगा। और जब तक इस देश में संविधान लागू नहीं होगा, जब तक ये सोने की चिड़िया महान नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो इनसे हमने बातचीत करी, ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब के जो संविधान है उस पे चलें, जब तक बाबा साहेब के संविधान पे नहीं चलेंगे जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। और जो डॉक्टर ऋतु सिंह का जो प्रोटेस्ट की बात करें तो उस पे कह रहे हैं कि संघर्ष जारी रहेगा, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है। तो इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ नूरजहां, जनता आवाज़।